ये फिल्म एक बार नहीं बार बार देखने लायक है, आंख फाड़ के देखेंगे पूरी पिक्चर। फिल्म के अंदर हर एक सीन में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। रानीगंज में जो 1989 में हुआ था, जसवंत सिंह गिल एक IIT धनबाद के जो ऑफिसर थे, उन्होंने 65 वर्कर्स को रेस्क्यू किया था कोल माइन में। बहुत जगह पे गूज़बम्स हैं, बहुत जगह इमोशंस हैं। मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि 2.5 घंटे तक मेरी नजर ही पिक्चर से हट नहीं रही थी। 100% अक्षय कुमार ने फिर एक नया इंसानियत का रूप बताया इस पिक्चर के माध्यम से। ये तो यार अच्छी कंटेंट है, तो प्लीज इस मूवी को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आनी चाहिए, मूवी को देखनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए। जसवंत सिंह गिल की कहानी को देखो, अभी ये अपने आप में एक सुपर हीरो हैं, वो जो जसवंत सिंह गिल हैं वो हीरो हैं, तो इनको स्टार की जरूरत नहीं है, उनको यूनिवर्स दे दो। अक्षय सर को बहुत अच्छा सपोर्ट करो भाई यार, कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जो रियल बेस्ड स्टोरी होता है। इतनी ज्यादा रिसर्च हुई है क्योंकि मैं वहीं का हूँ और मेरी आंखों देखी है ये स्टोरी है, और मुझे पता है मलकट्टा किसको बोलते हैं और कैसा वेशभूषा होता है, कैसी भाषाएं होती है, वो सबसे मैं गुजरा हुआ हूँ। उस वक्त तो मैं 35 साल का था। देखो मैं वन वर्ड अक्षय कुमार पाजी को मैं एक ही सल्यूट करना चाहूँगा कि जब भी अक्षय कुमार को आप देखोगे, वो हमेशा से एक सोशल मैसेज वाली मूवी बनाती है। मतलब क्या है कि वही एक्टर बॉलीवुड में जो सोशल मैसेज देते हैं, ट्रू स्टोरी पे जो भी मूवी बनती है वो अक्षय कुमार ही बनाते हैं। अगर मिशन रानीगंज की बात करें तो यार ये मूवी को देखने के बाद तो मैं बोलू ना, मैं इमोशनल हो गया हूँ। मतलब कि क्या मूवी बनाया इन्होंने, क्या रिसर्च किया यार। मतलब कि जिस तरीके से जसवंत सिंह गिल की कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया ना, माइंड ब्लोइंग। अक्षय कुमार मतलब कि उस करेक्टर में अपने आप को ढल गए, वो सुपर मूवी बनाया उन्होंने। देखिए ट्रू कहानी है, कुछ वर्कर है जो जमीन के अंदर वो फंस जाते हैं, तो उसकी उनको कैसे बचाया जाता है, जिद्दोजहद जिस तरीके से उन्होंने किया, पूरे सबको बचाया। ये नहीं है कि एक को एक भी मर गया, मतलब सबको बचा लेते हैं वो एंड तक। देखो अक्षय कुमार और परिणीति की केमिस्ट्री की बात करें तो उनकी केमिस्ट्री ऑलरेडी केसरी मूवी में सुपर हिट है, यहाँ पे भी सुपर हिट है, लेकिन परिणीति चोपड़ा स्क्रीन में बहुत कम दिखी है, पूरा फोकस अक्षय कुमार पे है। तो यार ये मूवी को सभी को देखनी चाहिए। अभी देख रहा हूँ थिएटर में पब्लिक ही नहीं है, 20 से 25 लोग हैं, मतलब अच्छी मूवी के लिए पब्लिक आती नहीं है, और जो आड़े तेड़े मूवी होती है उसके लिए पब्लिक भर भर के जाती है। तो यार अच्छी कॉन्टेंट है, तो प्लीज इस मूवी को सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आनी चाहिए, मूवी को देखनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को देखनी चाहिए। जसवंत सिंह गिल की कहानी को देखो, अभी ये अपने आप में एक सुपर हीरो हैं, वो जो जसवंत सिंह गिल हैं वो हीरो हैं, तो इनको स्टार की जरूरत नहीं है, उनको यूनिवर्स दे दो। बढ़िया थी, सरदार के लुक में हमेशा उन्होंने अच्छा ही किया है, जैसे सिंह इज किंग है और भी बहुत सारे फिल्में हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रोल किया। बहुत अच्छी फिल्म है, हर एक जगह एंटरटेनमेंट है, हर जगह एंटरटेनमेंट है, और रियल स्टोरी को जिस तरह से विपुल सर ने लिखा है इसको, जैसे स्क्रीन प्ले है और जैसे उन्होंने माइनस लोगों को बचाया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रशंसा लायक है ये फिल्म, एक बार नहीं बार बार देखने लायक है। यह परिणीति जी ने जो एंडिंग में जो उन्होंने फेस एक्सप्रेशन दिया है वो बहुत काबिले तारीफ है सर, बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं तो 5/5 दूंगा सर, मुझे एंटरटेनमेंट लगा सर। एक एक फिल्म में एक ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ पे आप पलक झपके, पूरी पिक्चर आप आँख फाड़ के देखेंगे पूरी पिक्चर, हर एक जगह अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये फिल्म के अंदर हर एक सीन में है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पूरी फिल्म बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है, लाजवाब है और बहुत मज़ा आया। बहुत जगह पे गूज़बम्स हैं, बहुत जगह इमोशंस हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जैसा मैंने बताया कि जो रियल जसवंत गिल हैं कहीं ना कहीं उनके जो कैरेक्टर है उनको पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है। पंजाबी दोनों लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं और स्टोरी कहीं ना कहीं जसवंत गिल की पंजाब से है, तो दोनों ने बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है और काफ़ी अच्छी जोड़ी है। 5/5 मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो इसमें बहुत ही दिल दहलाने वाले सीन्स हैं। और रानीगंज में जो 1989 में हुआ था, जसवंत सिंह गिल एक IIT धनबाद के जो ऑफिसर थे, उन्होंने 65 वर्कर्स को रेस्क्यू किया था कोल माइन में, और वही ये मूवी में दिखाया गया है। डायरेक्शन बहुत अच्छा है टीनू देसाई का, और उसके साथ साथ जितने भी किरदार है बहुत ही वेल एज्ड कैरेक्टर्स है, बहुत ही वेल डिफाइंड है, बहुत इमोशनल मूवी है, बहुत हार्ट रेंचिंग सीन्स हैं। और जितने भी मतलब अक्षय कुमार तो एक बार फिर से छा गए, मतलब ही इज़ सच ए वर्सेटाइल एक्टर, कोई भी रोल उनसे करवा लीजिए। और उसके साथ साथ जितने भी सीजनड एक्टर्स हैं, पवन मल्होत्रा, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, अनंत महादेवन, जितने भी मतलब एक से एक शिशिर शर्मा, कितने सारे सीजनड एक्टर्स हैं, उनके भी रोल्स बहुत अच्छे हैं।
और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब परिणीति चोपड़ा जी का छोटा सा रोल है, वो शुरू में आती है और लास्ट में उनका छोटा सा है, बट सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है असीम मिश्रा की, एडिटिंग बिल्कुल शार्प है आरिफ शेख की, और स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है विपुल रावल का। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। आपको क्या लगता है अक्षय सर जो भी अपने फिल्म लेकर आते हैं इस बार कुछ नया देंगे ऑडियंस? डेफिनेटली आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ और क्रिटिक्स रिव्यू की वजह से ये मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि ये मास एंटरटेनर नहीं है बट बहुत इंस्पिरेशनल मूवी है, बहुत मोटिवेशनल है, तो लोगों को देखनी चाहिए मुझे लगता है। आप इसको कितना रेट करेंगे? मैं इसको 4 out of 5 stars हूँ। 100% अक्षय कुमार ने फिर एक नया इंसानियत का रूप बताया इस पिक्चर के माध्यम से कि अपनी जान चली जाए तो चली जाए, इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक्टिंग वाइज अक्षय कुमार को मात देना किसी और के बस की बात नहीं है, बहुत ही अच्छा रोल किया। सेम वैसी ही जोड़ी है, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बताई है, परिणीति चोपड़ा का बहुत पॉजिटिव रोल है और बहुत अच्छा उसने रोल किया है और अक्षय के साथ हर तरह से जमती भी है। अन्य कलाकारों में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है इसमें और उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। निर्देशन का जहाँ तक सवाल है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है क्योंकि मैं वहीं का हूँ और मेरी आंखों देखी है ये स्टोरी है और मुझे पता है मलकट्टा किसको बोलते हैं और कैसा वेशभूषा होता है, कैसी भाषाएं होती है, वो सबसे मैं गुजरा हुआ हूँ। उस वक्त तो मैं 35 साल का था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल में रिसर्च हुआ है, उसके बाद ये पिक्चर बनी। रेट इसमें देखिए, ट्रू स्टोरी है तो ट्रू स्टोरी तो हूबहू बनाई है, तो 5 में 5 ही बनेगा, उसमें कोई कटौती तो हो नहीं सकती है। और अक्षय कुमार की एक्टिंग का तो कोई हिसाब है ही नहीं, बैठता ही नहीं है, तो मैं हिसाब क्या दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है और माइंड सेटअप को हिला देने वाला पिक्चर है, और मुझे पता भी नहीं था कि रानीगंज में एग्जैक्टली मतलब ऐसा भी कुछ हुआ था, जो हादसा कहा जाता था वैसा हादसा हुआ नहीं था, बट सबको सेफली बचा लिया गया था और उन्हें बहुत पुरस्कार से नवाजा भी गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब पिक्चर को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करता है, और मुझे लगता है कि इस पिक्चर को लोगों को देखने के लिए आना ही चाहिए। पर्सनली अपील है, बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी गई है, और एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो मतलब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा कि 2.5 घंटे तक मेरी नज़र ही पिक्चर से हट नहीं रही थी, इस तरीके से उसको कैलकुलेट किया गया था। बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, बहुत अच्छा एडिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा गया है। और एक ही चीज़ है अपील पब्लिक को कि प्लीज़ यार आप सभी लोग अक्षय सर को बहुत अच्छा सपोर्ट करो भाई यार। मतलब सभी इंसान जो है पिक्चर्स लेकर आते हैं, बट कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जो रियल बेस्ड स्टोरी होता है, और अगर आपको रामगंज की कहानी जानना है तो आपको इस पिक्चर को देखने के लिए आना ही पड़ेगा। 5 में से 5